सिर्फ प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन। क्या है ये मौसम का जादू है मितवा, है ना सिंधु? गुड मॉर्निंग फूड फैम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ सिंपल ईटिंग। आज के इस वीडियो में हम खाने वाले हैं प्रोटीन रिच फूड फॉर 24 आवर्स। वेदर काफ़ी अच्छा है तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा एनर्जी लिया जाए। एंड वैसे भी मेरे बर्थडे को आई नो एक हफ्ता ही बाकी है, मेरे बर्थडे को सिर्फ 1 वीक बाकी है एंड आई नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू पोस्ट रियली डिलीशियस वीडियो एंड माई बर्थडे व्लॉग। वेल जोक्स अबाउट फूड फैम, एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर आई थिंक इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग कॉन्टेंट, क्वालिटी कॉन्टेंट। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप अ बैलेंस बिटवीन हेल्दी फूड एंड जंक फूड, ताकि मेरी और आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में भी बैलेंस बना रहे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए एंड ढेर सारा लाइक कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। सिंसो बोलो कॉमेंट, वैल्यूएबल कॉमेंट्स। चलो हम चलते हैं नीचे और अपना ब्रेकफास्ट बना के खाते हैं। वेदर इतना अच्छा है कि मेरे को नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छुपा है ढेर सारा हेल्थ बेनिफिट्स, ढेर सारा प्रोटीन रिच न्यूट्रिएंट्स एंड ढेर सारा डिलीशियस क्रीमी टेस्ट। सो व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन फूड, अंडे ने सबसे पहली जगह बनाई है लिस्ट में, तो हम खाएंगे सबसे पहले अंडे। इसमें डालेंगे प्याज, कैप्सिकम, कैबेज, इसको सौते कर लेंगे, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, मिक्स इट वेल। तो ये पक चुका है एंड इसमें हल्का सा चार टेक्सचर आ चुका है, इसमें आपने अंडे डाल दिए। सो ये नीचे आई थिंक पक चुका है, पलट के फिर हम लोग सेकेंगे। आई थिंक आई कैन डू इट, आई डोंट नो, कमेंट करके मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। बस सीख गई हूँ यार, नॉट बैड। टमाटर पक जाए उसके बाद ये ऑमलेट रेडी है। सो ये हो गया हमारा प्रोटीन से भरा डिलीशियस ऑमलेट रेडी। फूड फार्म, जब हम प्रोटीन रिच फूड खा ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट हेल्दी फूड एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, स्पेशली जब हमारे स्केड्यूल इतने बीजी चलते हैं थ्रू आउट द डे। नाउ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर द सेम गोज फॉर मी, मेकिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब माइट सीम वेरी ईजी एंड फन टू वॉच ऑन द अदर साइड, बट ट्रस्ट मी बिहाइंड द सीन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल ऑन माई मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। हमेशा सोचना कि वट माई फूड फार्म विल लव टू वॉच, ऐसा क्या कॉन्टेंट बनाओ जो इन्फॉर्मेटिव हो, एंटरटेनिंग हो। एंड आपको पता है this is not just one aspect of my life, there are other personal things which I have to manage. So is wajah se kya hota hai, sometimes my sleep cycle takes a toss and there is a feeling of tiredness all day sometimes. So this is an indication that my quality of life is dropping, but thank god ye sirf mere akele ke sath nahi hai. Recent study se pata chala hai that 46% people have poor quality of life. Isi ko measure karne ke liye ProteinX has bought a quality of life tool jahan aapko kuch simple questions ke answer dene hai related to psychological, relationship एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। सारे क्वेश्चंस में आपको 4-5 ऑप्शंस दिया जाए, आप सैटिस्फाइड है, डिससैटिस्फाइड है, वो सब आपको इधर आंसर्स करने हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद एट द एंड यू विल गेट योर क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर। मेरा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर बिलो एवरेज है, आई रियली नीड टू वर्क ऑन इट। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उसको क्लिक करके आप भी अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर चेक कर लीजिए। अगर आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर मेरी तरह एवरेज से कम होगा देन यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन इट। देयर आर वेरियस वेज जिससे आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, ईटिंग गुड न्यूट्रिशनल फूड और ईटिंग प्रोटीन रिच फूड जिस तरह से आज मैं खा रही हूँ, बिकॉज आप सबको पता है दैट प्रोटीन इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। डोंट वरी, वीडियो के एंड तक आपको काफी सारे प्रोटीन रिच फूड मिल जाएंगे, यू कैन इनकल्केट ऑल दिस डिलीशियस एंड हेल्दी डिशेज इन योर डेली लाइफ। चलो मैं तो अपना ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ बिकॉज मेरे को भूख लग रही है, बट आप प्लीज अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर चेक करके मुझे कॉमेंट में बताना कि एवरेज है, बिलो एवरेज है या मोर देन एवरेज है। सो चलिए अब हम खाते हैं हमारा डिलीशियस एंड प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। दिस लुक्स क्वाइट प्रिटी, आप कमेंट करके बताओ देख के कैसा लग रहा है। जस्ट लुक एट द ब्यूटिफुल थ्रेड्स ऑफ कैबेज, वाओ, वेरी नाइस, वेरी लाइट, घी काल का टेस्ट आ रहा है। ओवरऑल जो टेस्ट का एक्साइटमेंट है ना वो आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्रंची वेजीज, क्रीमी एंड फ्लफी एग और इस स्टीमी टमाटर के टेस्ट की वजह से।
चलो अच्छा है, आज इस चैलेंज के चक्कर में मुझे काफी ज्यादा अच्छी अच्छी और डिलीशियस हेल्दी रेसिपीज भी मिल जाएगी। Coming to the comments now, this comments have really made me feel that डेढ़ साल में I have really formed a very strong food family which I always wanted. So the comments are Yami Joy, Shivam Agarwal, प्राची यादव, शुभांगी दास। शुभांगी का तो मैसेज इतना बड़ा है, वो मेरे को इतना इमोशनल कर दिया कि वो स्क्रीनशॉट में ही पूरा नहीं आया। प्रदीप साहू, सिंह महिमा, अनिल, अनन्या पुरी, रिदम मेहरा, परी राजपूत, पहाड़ी गर्ल, नदीम अहमद खान। नाउ दिस आर द वेरी स्पेशल कमेंट्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वाओ, बारिश का सुहाना मौसम है तो इस वेदर में खिचड़ी खाना तो बनता है। बट I'm going to eat veg khichdi. Yes, for all my veg food fam, आपको भी तो पता चले कि वेजिटेरियन में भी कितना प्रोटीन रिच फूड है। सिर्फ चिकन, फिश और अंडे में प्रोटीन नहीं होता है। सो चलिए हम बनाते हैं हमारा वेज प्रोटीन रिच लंच। तो अभी फॉर माई लंच वी विल बी कुकिंग ओट्स खिचड़ी। ओट्स खिचड़ी के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है सब्जियाँ, मिर्ची है, बीन है, कैरेट, प्याज, कैप्सिकम, यहाँ पर है मूंग का दाल, मटर एंड डेफिनेटली वी हैव ओट्स। सो अभी हम बनाएंगे ओट्स खिचड़ी। फर्स्ट टाइम मैं खाऊंगी ओट्स, माई गुडनेस। यहाँ हम थोड़ा क्वांटिटी में बना रहे हैं, इसलिए हमने सिंजू का ये छोटा सा कुकर ले लिया है। इसमें सिंजू का खाना बनता है। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले दाल। दाल फॉर ऑल वेजिटेरियंस, पल्सेस इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दाल में जाएगा गाजर, दाल में सारी सब्जी डाल दी। अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच हल्दी। अब इस कुकर को हम बंद करके एक सीटी बजने तक पकाएंगे। वन टाइम हो चुका है, अब दाल अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अपना ओट्स, डालेंगे नमक। अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे। वैसे ओट्स है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं पकने में, और मेन जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है विच इज़ दाल एंड सब्जी, वो पक चुकी है ऑलरेडी। अब हम रेडी करेंगे हमारा छौंक। इसके लिए हमने ले लिया पैन। पैन में डालेंगे घी, डालेंगे एक सूखी लाल मिर्च, चॉप्ड अनियन, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे खिचड़ी। वाओ, लुक्स गुड। और ऊपर से करिए गार्निश लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कोरिएंडर एंड टडा, हमारा वेज प्रोटीन लंच इज रेडी। सो लो, तैयार है मेरा डिलीशियस लंच। अब चलो खाते हैं। ये ओट्स मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। मैं वैसे ओट्स खाती नहीं हूँ बिकॉज मेरे को लगता है बहुत हैवी हो जाता है ना। मेरे जिम ट्रेनर हमेशा मेरे को बोलते थे ओट्स खा के आ, ओट्स खा के आ, ओट्स खा के आ, क्योंकि यू नो जिम करने से पहले यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो हमेशा बोलते थे ओट्स खे आज भी, ओट्स खे आज भी, बट मैं कभी नहीं खाती। आज फर्स्ट टाइम खाऊंगी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, लेट्स ईट। सब्जी है ना इसमें, तो जिस चीज में भी सब्जी होगा आई ईट, आई लव वेजीज। Wow, this is delicious. लग ही नहीं रहा ओट्स है इसमें। ऑब्वियसली चावल की तरह नहीं लग रहा है, बट बहुत अच्छे से घुल मिल गया दाल और सब्जियों के साथ ओट्स। बड़ा फ्रेंडली है यार ये ओट्स, बिल्कुल मेरी तरह। सब्जियों का क्रंच बहुत अच्छा रहा है, स्पाइसी है। धनिया पत्ता तो डेफिनेटली इज एडिंग अ लॉट ऑफ फ्रेशनेस टू द ओवरऑल टेस्ट। मटर बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है अंदर। वाह, ये घर में जरूर बना के खाना गाइस, इट्स हेल्दी डेफिनेटली एंड आपको काफी फिलिंग रखेगा और बहुत ज्यादा एनर्जी भी देगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू वेजिटेरियन फूड, फॉर वेजिटेरियंस पीपल कैन यू नो डिपेंड ऑन ओट्स, राजमा, लॉट्स ऑफ पल्सेस, दाल, नट्स, पालक का जूस,
पालक का जूस, रियली पालक का जूस, रियली उसमें प्रोटीन है। बट डेफिनेटली वेटेज की बात है, नॉनवेज आइटम्स में वेटेज ज्यादा है, बट दिस आर ऑल्सो वेरी हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। चना, काबली चना, नॉर्मल चना जो घोड़ा खाता है जो चना, वो चना, पीनट, पीनट, आलमंड्स, ऑल नट्स, देन राजमा, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। राजमा में तो हाई सोर्स ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन है विच इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। Now coming to the shout out, सबसे पहले मैं shout out दूंगी to all the first commenters, श्रवण सिंह, भावेश दोदिया, सिमरजोत, लिमाक्षी दास, एंजल रूप, वर्षा साहू, कशिश शाह, अश्विनी गंगन, मेघना पुपाला, लिली एंड कोमू वाधवा। आज प्रोटीन 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 और हम खाएंगे सिर्फ प्रोटीन और सिर्फ प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन। क्या है क्या है, इसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। सो गाइज अभी हो गया है इवनिंग टाइम एंड हमें खाना है अपना प्रोटीन रिच फूड। क्या चाहिए तुमको? वैसे अगर आपको शाम के टाइम पर आपको भूख लग रहा है एंड यू वॉन्ट टू ईट समथिंग लाइक रिच इन प्रोटीन, उजीबा, देन यू कैन हैव, देन यू कैन ईट हैंडफुल ऑफ नट्स लाइक आलमंड, कैशियो नट, देन रेजन्स, देन पिस्ताशियो, वॉलनट, दे आर वेरी गुड। मैं नहीं खाती क्योंकि मेरे से स्टैंड अलोन नट्स खाया नहीं जाता, आई कॉन्ट डाइजेस्ट, किसी चीज़ में डाल के दे दिया लाइक हलवा या खीर तो आई कैन ईट, बट अभी हम खाने वाले हैं बिटू भैया प्लीज़ डू द ऑनर ऑफ गिविंग माई प्रोटीन रिच इवनिंग स्नैक्स जिसकी खुशबू सिंजू को आ गई इसलिए सिंजू ऊपर आ गया। हो हो, तो ये है मेरा प्रोटीन रिच, देखो देखो चिकन की खुशबू, प्रोटीन रिच इवनिंग स्नैक्स विच इज grilled chicken and saute veggies। तुमको नहीं दे सकता ना, इसको मैंने सारे पीसेस में कट कर लिए हैं एंड यहाँ पर कैरेट, कॉर्न एंड बीन्स है एंड सिंजू को बहुत जोरों से खुशबू आ रही है, ही कांट रेजिस्ट, मैं जल्दी खा लेती हूँ। ग्रिल चिकन का एक ही प्रॉब्लम होता है कि ये ना बहुत हार्ड होता है खाने में यार, उसको चबाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। चिकन के ब्रेस्ट पीस में ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है एंड माई फेवरेट इज़ चिकन थाई एंड उसमें फैट होता है, क्या करे, जहाँ आलू और तेल बुलाए वहीं मेरा मन ललचाता है। द कैरेट्स आर वेरी वेल कुक्ड, कैरेट में बहुत अच्छा मीठा टेस्ट आ रहा है, चिकन का भी अच्छा टेस्ट है, इट्स वेरी वेल यू नो मैरिनेटेड एंड देन ग्रिल्ड, इट्स थोड़ा ब्लैक पेपर का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, थोड़ा स्पाइसी भी है। गरम गरम खा रही हूँ इसलिए, ठंडा करके खाती हूँ इतना अच्छा नहीं लगता। कैरेट इज टेस्टिंग वेरी गुड, स्वीट कॉर्न का स्वीटनेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। जाना सेट सेट, अरे रुक जा रुक जा, से अरे रे छोड़ दे लड़के, अरे रे चलो 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 बाहर चलो बाहर चलो चलो, और पानी उठा लो उठा लो उठा लो उसके ऊपर। सो अभी हम लोग थोड़ा सा सिंजू को बाहर लेके जा रहे हैं वॉक कराने के लिए, जब से पापा आगरा गए हैं तब से इट्स लाइक एवरी डे इज गोइंग आउट गेटिंग आउट फॉर वॉक, तो हम लोग इसको हमेशा सॉल्ट लेक में लेके जाते हैं वॉक कराने के लिए, इसको चस्का लग गया है तो थोड़ा वॉक करा लेते हैं फिर हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में। चस्का लग गया, चस्का चस्का लग गया, सिंजू सिंजू मामा, ओ मामा रिक्शा राइड, फिर ये घर ले जाके बना के मैं खाऊँ। सिंजू फिश, सिंजू फिश, सिंजू फिश खानी है, वो सिंजू को चिकन खानी है, वो चिकन देखे जा रहा है तब से। बेटे मौज कर दी, बेटे डेली डेली घूम रहे हैं बेटे, अरे पापा मौज कर दी
मजा ले रहे थे डेली का, इसको चस्का लग गया है बाहर निकलने का। मैं काम धाम छोड़ के बस इसको घुमाऊं और मेरे पास कोई काम नहीं बचा। पर माय गुडनेस, सो मेनी क्यूट पपीज। छोटा बाबू इधर देखो, ये कितना प्यारा है, देखो 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 मुनी, छोटा बाबू मुनी। ओ माँ, ओ माँ की मिष्टी। सिंधु का चेहरा देखते हो, एक्सप्रेशन। ओ मेरे बच्चा, ओ माँ, ये लोग तो लड़ाई किए जा रहा था अब से। इसकी मम्मी नहीं आ जाए भाई, डर लगता है। कुछ नहीं करेगी उसकी मम्मी। अभी मैं आ चुकी हूँ घर और लिटरली बाहर बहुत मजा आया आज सिंजू को वॉक करा के लेके आए। वो छोटे छोटे पप्पी लोग भी कितना क्यूट था। एंड यस, इट वाज फन। तो चलो अब काम पे लग जाते हैं। अभी मैं बनाने वाली हूँ फॉर द डिनर स्टीम फिश, थाई स्टाइल स्टीम फिश। स्टीम फिश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 पीसेस पॉम्फ्रेट फिश ले लिया है और यहाँ पर हमारे इन्ग्रीडियंट्स रेडी है। ग्रीन अनियन, जिंजर, स्लाइस लेमन एंड रेड चिलीज। ये जो स्टीम फिश का सॉस है उसके लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून वाटर, 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस, पिंच ऑफ शुगर एंड लाइम जूस। सो यहाँ पर आई हैव टेकन माय फिश व्हिच इज़ पॉम्फ्रेट फिश। इसके ऊपर अच्छे से इस सॉस को डाल देना है, पोर इन ओवर द जुलियन जिंजर। यहाँ पर पानी हमने ऑलरेडी गरम चढ़ा दिया था तो पानी अच्छे से गरम हो चुका है। इसमें आई हैव मेड अ फॉइल लाइक दिस, सो आई एम गोना यूज दिस एज अ स्टैंड एंड नाउ लेट अस जस्ट, अब इसको स्टीम होने देंगे 5 से 10 मिनट तक। तेरे ऐसे खड़े रहने से वो बन नहीं जाएगा। आई नो, बट फर्स्ट टाइम बना रही हूं तो आई एम वेरी क्यूरियस एंड इंपेशेंट। तो नहीं बन भी रही कि नहीं, 52 मिनट्स मतलब और 6 मिनट बाकी है। सो 10 मिनट्स हो गए, एक बार उठा के देखते हैं कुछ तो हुआ है। अच्छा लग रहा है। अब इस टाइम पे क्या करूँगी, मेरे को थोड़ा चिलीज़ भी स्टीम करना है तो चिलीज़ भी मैं डाल दे रही हूँ इसमें। अब इसको स्टीम करूँगी मैं 3 मिनट और। नाउ कमिंग टू शाउट आउट, नेक्स्ट शाउट आउट गोज़ टू मॉम्स किचन 10K, जगदीप सिंह, हुसैना मुर्तुजा, सत्यशीला विभूति राय, हर्षवी राठौड़, रायत सलीम, खुशी महाजन, आदित्य श्री सागर, अभा भटनागर। सो ये काइंडा अब रेडी है। वाह, दिस लुक्स वेरी गुड, द कलर लुक्स वेरी वेरी प्रिटी। और ये मेरा फिश अब रेडी है, अब इसको निकालते हैं। नाउ वी विल गार्निश दिस विद ग्रीन अनियन। यहाँ पर मैंने ग्रीन अनियन को पानी में डुबो के रखा था। एंड इसको हम टॉप करेंगे विथ सम सेसमी ऑयल एंड रिफाइंड ऑयल का मिक्स। फेंको 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 पूरा मछली के ऊपर। वो आई एम सो सुपर एक्साइटेड, क्या खुशबू आ रही है। आई एम सुपर एक्साइटेड। सो दिस इज सॉय स्टीम फिश, पॉम्फ्रेट फिश। सिंजू कितना अच्छा बना है। सो माय सुपर डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी एंड सुपर प्रोटीन रिच डिनर इज रेडी, विच इज सोए जिंजर स्टीम फिश। ये देख के तो लग रहा पक गया है, आई होप सो, लेट्स सी। है ना, पक गया ना। वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। लेट्स डिप इट इन टू द सॉस एंड लेट्स टेस्ट। नमक का कमी है, क्योंकि नमक तो डाले ही नहीं किसी चीज में, और लोग रेसिपी में भी नमक नहीं था। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, रेसिपी में भी किसी ने नमक नहीं डाला था, तो इस फिश को हम लेते हैं थोड़ा सा विद सम जिंजर, थोड़ा सा रेड चिली लेते हैं, इस सॉस के साथ डिप करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई। आई डोंट नो व्हाट आई एम ईटिंग प्रियंका, व्हाट आर यू ईटिंग। खुशबू तो अच्छी आई है। सोया सॉस में नमक है तो अब बैलेंस अच्छा लग रहा है। हाउएवर ये सबको अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज इट्स स्पाइसी, यू आर गेटिंग वेरी पंजेंट टेस्ट ऑफ जिंजर। आपको पता है जिंजर का टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा अर्थी, पंजेंट, हल्का बिटर एंड शार्प, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा बिकॉज इट्स स्टीमी, इट्स हेल्दी एंड फिश इज टेस्टिंग वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। वाओ, द सोया सॉस इज टेस्टिंग सो गुड। फिश इज रियली वेरी वेल कुक्ड। इसको आप
बासा फिश या फिर भेटकी के साथ बना के खाना मैकरल के साथ बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे से पील ऑफ हो जा रहा है एंड मोस्ट ऑफ ऑल एकदम बहुत हेल्दी है यार, सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत हेल्दी है। आज के इस वीडियो से मुझे तो काफी ज्यादा लेसन्स मिला है, हाउ टू ईट हेल्दी फूड वाइजली कीपिंग द डिलीशियसनेस एंड टेस्ट इंटैक्ट, एंड आई होप आपको भी आज की वीडियो में उतना ही मजा आया हो जितना मुझे मजा आया सीख के बना के एंड खा के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ढेर सारा प्यार दो इस चैनल में, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। शेयरिंग इज केयरिंग, सो मैं मम्मी को टेस्ट कराऊंगी ये फिश, लेट्स सी मम्मी को ये कैसा लगता है। नमक आपको कम लगेगा और आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। नमक कम है मेरा, रेसिपी में नमक डाला क्यों नहीं? खाने में खराब भी नहीं अच्छा भी नहीं। मैं बोली ना अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे को ये सब खाना पसंद है। आई लव। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टिल देन गाइस हैप्पी ईटिंग्स, बाय बाय।